14, which is environmental chemistry, and in this chapter we have studied the introduction part and some important aspects, what is pollution, what is pollutants and everything. Okay, so from this video we have to start from atmospheric pollution. So those who have not watched previous video yet, first go and watch them, then continue with this lecture. Okay, सो लेट्स स्टार्ट. एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर वो चीज़ होती है जहाँ अपन रह रहे हैं, अर्थ के अंदर रह रहे हैं. इसके आसपास बहुत सारी गैसेस, लेयर्स वगैरह हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. अब सारी लेयर्स की थिकनेस जो है ऑल ओवर द अर्थ इज़ नॉट सेम, ठीक है, और हर गैसेस जितना प्रेजेंट है वो सब सेम लेवल में नहीं प्रेजेंट है. तो जितना भी अपने को सराउंड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है आपके डिफरेंट गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब प्रेजेंट होता है. तो इसकी थिकनेस क्या होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है. कॉन्सेंट्रिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एयर की और अदर रीजन के अंदर, जहाँ पे जिनकी डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, मतलब मोटी पतली हो सकती हैं ये लेयर्स, ठीक है. तो अलग जगह पे, कुछ जगह पे वो मोटी होगी या कुछ जगह पे उसकी डेंसिटी कम होगी, ये सब डेंसिटी हो सकती हैं. जो एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला रीजन है, जहाँ पे क्या अर्थ के जैसे मान लो, कंसिडर दिस इज द अर्थ, ओके दिस इज़ अर्थ. नाउ यहाँ पे मान लो ये मेरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है. डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की. मैंने मान ली, मैं दो लेयर्स बना रही हूँ, और भी लेयर्स होंगी, ठीक है. तो जो सबसे पास है अर्थ के, जिसके जो ह्यूमन बीइंग और अदर ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रही है, जो सबसे पास वाली लेयर है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रोपोस्फेयर. और ये अर्थ के सी लेवल से कितने ऊपर होती है, 10 किलोमीटर्स क्या होती है, अबव द सी लेवल हाइट इसका होता है, ठीक है. अर्थ से 10 किलोमीटर्स ऊपर होती है सी लेवल से. फिर उसके ऊपर एक और लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 to 50 किलोमीटर्स होती है अबव द सी लेवल, ओके. और ये दोनों जो होती हैं, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, ये मेनली क्या बनाती है, हमारा एटमॉस्फेयर बनाती है. इसको मेनली अपन एटमॉस्फेयर में कंसीडर करते हैं. आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे. तब अपन इसका थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है. द लोएस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमन बीइंग्स अलॉन्ग विद द अदर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर. ये क्या कहलाता है, अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर. सबसे नीचे वाली लेयर को क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर, जो कि कितना परसेंट ऊपर है, 10 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल उसकी क्या है, हाइट है, ठीक है. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर्स ऊपर सी लेवल के एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, टर्बुलेंट होता है, डस्टी होता है, इसके अंदर डस्ट वगैरह होता है, ठीक है. इसके अंदर एयर भी होता है और वाटर वेपर्स ज़्यादा होती हैं और क्लाउड्स भी होते हैं. तो क्लाउड्स वगैरह कहाँ होते हैं, इतने क्लाउड्स, वाटर वेपर, ये सब कहाँ होती है, अपने ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में होती है. और डस्ट भी कहाँ जाती है, ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में जाती है. इस रीजन में, जो ट्रोपोस्फेयर वाला रीजन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एयर्स होती हैं, ठीक है, एयर मूवमेंट देखने को मिलता है, क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. यहीं पे जो क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है. जो स्ट्रेटोस्फेयर की जब हम बात करें, तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होता है, डाइनाइट्रोजन ज़्यादा होता है, N2 ज़्यादा होता है, डाइऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ओजोन ज़्यादा होता है, और कुछ मात्रा में क्या होता है, वाटर वेपर होता है. तो स्ट्रेटोस्फेयर की हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, गैसेस वगैरह हैं. और ट्रोपोस्फेयर में क्या है, डस्ट वगैरह है, क्लाउड का फॉर्मेशन है, ये सब, और वाटर वेपर ज़्यादा मात्रा में, ये सब कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है. एटमॉस्फेयरिक पॉल्यूशन की जब हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयरिक पॉल्यूशन मतलब जनरली इन दोनों लेयर के अंदर पॉल्यूशन होना, जो
ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, क्योंकि यही दो लेयर को हमने एटमॉस्फेयर में कंसिडर किया था। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रिवेंट्स द 99.9% ऑफ यूवी रेस, जो कि कहाँ से आती हैं, सन से आती हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, ह्यूमंस और सबके लिए हार्मफुल होते हैं। यूवी रे से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर वगैरह होता है, म्यूटेशन वगैरह जल्दी हो जाता है, इसलिए ये हार्मफुल होता है। तो जो ओजोन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में वो अपने को कैसे यूवी रे से बचाता है। अब ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है तो हम यूवी रे से इतना ईजी बच नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा कम यूवी रे को डिप्लीट कर रहे हैं या जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं वो वाले प्रोडक्ट कम यूज़ करने चाहिए। ठीक है, ओके, आई होप ये लोग समझ, ये सब समझ गए होंगे आप लोग। ओके, फिर अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जो ट्रोपोस्फेरिक लेयर है उसका पॉल्यूशन कैसे हो रहा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। किसकी वजह से हो सकता है ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड और गैशियस पार्टिकल इन द एयर। ट्रोपोस्फेयर में मेनली क्या है, एयर है, डस्ट है, तो उसके अंदर कुछ अनडिजायरेबल पार्टिकल वगैरह होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन कहलाएगा। कुछ मेजर गैशियस पार्टिकल्स और कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में दिया है जो कि मेजर कॉज करते हैं ट्रोपोस्फेयर के पॉल्यूशन में। ठीक है, गैस और एयर की बात करें तो जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो मेजर गैसेस पॉल्यूटेंट होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन और कुछ अदर ऑक्सीडेंट जो कि क्या होते हैं अपने को गैशियस फॉर्म में, और जो क्या कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर का पॉल्यूशन करवा रहे हैं। अब पार्टिकुलेट के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगी, डस्ट हो जाएगी आपकी, मिस्ट हो जाएगी, फ्यूम्स, स्मॉक्स एंड स्मोक दोनों हो जाएंगे, ये आपके क्या होंगे पार्टिकुलेट फॉर्म में होंगे, और बाकी ये क्या होंगे ऑक्साइड्स वगैरह गैशियस फॉर्म में होंगे। फिर गैशियस पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो गैशियस पॉल्यूशन में फर्स्ट क्या देखा था अपन ने, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसके अंदर सल्फर होता है जो कि कहाँ होता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से अपने को मिलता है। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिसको अपन बर्न करते हैं उसकी वजह से सल्फर लिबरेट होता है। तो द मोस्ट कॉमन स्पीसीज सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस का क्या होता है, पॉइजनस होता है, SO2 जो होता है वो पॉइजनस होता है, किसके लिए, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पॉइजनस होता है। ठीक है, जो कि फॉसिल फ्यूल के बर्न से निकल रहा है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज द रेस्पिरेटरी डिसीजेस, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम मात्रा में भी प्रेजेंट है वो भी अपने को क्या होगा, हार्मफुल होगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगी, जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज़ हैं, जो सांस लेने की वजह से जो डिसीजेज़ होती हैं वो अपने को हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा ह्यूमंस के अंदर हो सकता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज इरीटेशन टू द आइज, जो आँखों में अगर डायरेक्ट वो लग रही है तो अपने को क्या होगा, जलन वगैरह होगी, रेडनेस वगैरह आएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, टीयर वगैरह मतलब आंसू वगैरह निकलेंगे अपने। ठीक है, और ये तो क्या की बात कर ली, अगर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, SO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है उसके बाद भी वो अपने को इतना हार्मफुल है, अगर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, तो ये फ्लावर्स की स्निफनेस करवाएगा। ठीक है, बर्ड्स को, जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं उसको उगने नहीं देगा, तो फ्लावर नहीं बन पाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट इवेंचुअली मर जाएगा। ठीक है, अनकैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ स्लो, जो अगर हम कैटलिस्ट नहीं डालते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, जो अगर हम ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं और उसके अंदर हमने कोई कैटलिस्ट को नहीं डाला, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन उसका कैटलिस ऑक्सीडेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से मैटर जो है पॉल्यूटेंट एयर के क्रिस्टल्स को क्या करेगा, पॉल्यूटेट करवाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, और वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जैसे SO2 + O2 गिव राइज़ टू SO3। ओके,
और इस रिएक्शन को हम और भी प्रमोट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे क्या डाल दें, एक कैटलिस्ट डाल दें, जैसे कि ओजोन या हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन ईजी फास्ट वे में कन्वर्ट हो जाएगी और अपने को ईजीली SO3 मिल जाएगा SO2 की जगह पे। तो SO3 क्या होता है, कम हार्मफुल होता है और SO2 ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो इसलिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का काम ही ये होता है कि वो रिएक्शन को क्या करवाता है, जल्दी से कैरी फॉरवर्ड करवाता है और जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है रिएक्टेंट को। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे हार्मफुल होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो डाई नाइट्रोजन है जैसे कि N2 और डाई ऑक्सीजन O2, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एयर के। जो अपना एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है उसमें मेनली क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती एट नॉर्मल टेम्परेचर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो ये गैसेस क्या होती है, इनर्ट रहती है, मतलब किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। बट जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जब लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब थंडर वगैरह आता है, जब बिजली वगैरह कड़कती हैं, तो ये दोनों गैसेस क्या होती हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड्स बना लेती हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है NO2 का ऑक्साइड बना लेता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट ऑक्साइड, NO3 नेगेटिव बना देता है जो कि क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर चला, पानी लाइटनिंग हुई, थंडर हुआ, उसकी वजह से ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाया। ऑक्साइड बनाने के बाद अगर वाटर पानी वगैरह आया तो बारिश हुई, बारिश से ये कन्वर्ट हो, बारिश में ये मिलेगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एसिड ड्रेन हो जाएगा। एसिड ड्रेन हो जाएगा तो वो सॉइल में जाएगा, सॉइल से वो पूरे सॉइल में पेनिट्रेट हो जाएगा। वो सॉइल में पेनिट्रेट होने की वजह से वही सॉइल में अगर आपने कोई क्रॉप लगा दिया, वो क्रॉप में आपका क्या जाएगा, जो एसिड है वो क्रॉप पे चला जाएगा, इवेंचुअली वो आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे तरीके से ये क्या हो जाता है, हमने को हार्म करता है एज अ, ठीक है। फिर जैसे ऑटोमोबाइल इंजन्स में से जो अपना का हाई टेम्परेचर पे फॉसिल फ्यूल का जब बर्न करते हैं तब भी डाइनाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। तो जब अपन फॉसिल फ्यूल वगैरह जलाते हैं, जब अपन पेट्रोल वगैरह जलाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं और उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड अपना बन जाता है, ये NO2। जैसे N2 प्लस O2 गिव राइजेस टू NO जो कि क्या है आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड, और वो और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या हमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 का फास्टर होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रिक ऑक्साइड के, ठीक है, ओजोन के साथ रिएक्ट करके और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और वो क्या करवा देता है, डिप्लीशन करवा देता है। जो NO अगर अपना स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच गया तो ओजोन जो प्रेजेंट है वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, इसके साथ रिएक्ट करके NO2 बना देगी और O2 एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, जो अपने ओजोन लेयर है वो क्या होगी, डिप्लीट होगी। ठीक है, जो रेड कलर का सिग्नल होता है ट्रैफिक में, तो उसकी वजह से कंजेशन ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से अपने को हैज वगैरह होता है। N2O का हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लीव्स को डैमेज करेगा प्लांट की, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करवा देगा, फोटोसिंथेसिस को कम करवा देगा, तो वो कम खाना बना पाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, लंग इरिटेशन में लीड करवाता है, मतलब जो अपने लंग्स हैं उसके अंदर क्या होता है, इरिटेशन कॉज करवाता है, जिसकी वजह से अपने को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो जाती है, किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर हो जाती है, जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ हैं जो सीवियर हार्म कर सकते हैं किसी भी चिल्ड्रन को, तो वो हो जाती है अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये लिविंग टिश्यू को टॉक्सिक होती हैं। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हार्मफुल होता है वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स और मेटल्स को भी। जो आप लोगों ने ताजमहल के बारे में सुना होगा, तो ताजमहल के जो मार्बल्स हैं वो पीले पड़ने लगे, क्यों पड़ने लगे, क्योंकि एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है तो वहाँ पे भी वो हार्मफुल हैं। तो एसिड रेन का नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है, नाइट्रिक एसिड की वजह से, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड होता है मेनली उसमें, तो नाइट्रिक एसिड और इनकी वजह से क्या हो रहा है, उनके टेक्सटाइल में भी और कुछ फाइबर्स या मेटल्स को भी क्या करते हैं, ये कोरोड करते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पे भी अपने को देखने को मिलता है।
ठीक है, फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो उनको क्या बोलते हैं? हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये काय के कंपाउंड्स होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और ये इनकम्प्लीट कम्बशन से बनते हैं। जो फ्यूल वगैरह अपन ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स वगैरह में डालते हैं, उसका इनकम्प्लीट कम्बशन हो, मतलब पूरी तरीके से वो बर्न ना हो पाए, तो उसकी वजह से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब वो कैंसर कॉज करते हैं। कोई भी कार्सिनोजेनिक एजेंट क्या होता है? कैंसर कॉज करवाता है, ठीक है। तो ये कैंसर कॉज करने में आपको जल्दी कैंसर कॉज करेंगे, ठीक है। और ये प्लांट को भी हार्मफुल होते हैं। प्लांट को कैसे हार्मफुल होते हैं? उसकी एजिंग करवा देते हैं। एजिंग मतलब जल्दी उसको पहले बुढ़ापा आने की वजह से जल्दी बुढ़ापा आ जाता है और वो फ्लावर वगैरह नहीं कर पाता और इवेंचुअली क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। कुछ टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन हो जाता है, उनकी जो लीव्स हैं वो शेड हो जाती हैं, फ्लावर्स वगैरह और ट्विंग्स वगैरह भी उनके क्या हो जाते हैं? शेड हो जाते हैं। ये काहे के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो गए? हाइड्रोकार्बन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे काहे के बारे में, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन वगैरह के बारे में देखेंगे, और ये अपना जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है उसी टॉपिक में कंटिन्यू